अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि स्लाइड पर लिखा हुआ मेरा घर, तो आज हम जो है वोकैबुलरी जो है सीखने जा रहे हैं। घर में मौजूद जो है जो चीज़ें होती हैं उनके रिलेटेड हम नए लफ्ज़ सीखने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे, घर की डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे, इसमें फर्नीचर भी देखेंगे, इसमें दीवारें देखेंगे, खिड़कियाँ देखेंगे, फ़र्श देखेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे कि इन चीज़ों को इटालियन में कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, क्या कहा जाता है। तो होप सो आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने जा रही है। आप काफ़ी ज़्यादा जो है नए लफ्ज़ सीखने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे पास जो सबसे पहला लफ्ज़ है वो है फिनिस्त्रा। फिनिस्त्रा कहते हैं खिड़की को, ठीक है, फिनिस्त्रा कहते हैं खिड़की को। अगला लफ्ज़ है हमारे पास परेते। परेते कहते हैं जी दीवार को, परेते दीवार को। एक दीवार जो होगी उसको परेते कहेंगे और एक से ज़्यादा अगर दीवारें हैं तो उनको हम परेती कहेंगे। इसी तरह खिड़की के लिए मैं आपको बताता चलूं कि फिनिस्त्रा जो होता है वो खिड़की को कहते हैं। अगर खिड़की छोटी हो तो उसको कहते हैं फिनिस्त्रीनो, ठीक है, फिनिस्त्रीनो, वो छोटी खिड़की को कहते हैं। तो जो परेती है वो दीवार की जमा है, ठीक है, दीवारें। एक जो दीवार होगी उसको परेते कहेंगे और एक से ज़्यादा अगर दीवारें होंगी तो वो उसको कहेंगे परेती, ठीक है। अगला लफ्ज़ है जी पोर्ता। तो पोर्ता कहते हैं जी दरवाज़े को। इसी तरह दरवाज़ा एक है तो पोर्ता और एक से ज़्यादा दरवाजे हैं तो वो हो गए पोर्ते, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जी कैमरा द लैटो। कैमरा द लैटो कहते हैं जी बेडरूम को, ठीक है, कैमरा द लैटो बेडरूम को। कैमरा कहते हैं कमरे को, रूम को, द लैटो कहते हैं बेड को, ठीक है, कैमरा द लैटो बेडरूम। उसके बाद ही बान्यो। बान्यो कहते हैं जी गुसलखाना, ठीक है, गुसलखाना को बान्यो कहते हैं। अगला लफ्ज़ है जी साला द प्रांसो। साला द प्रांसो कहते हैं खाना खाने का कमरा, मतलब जिस कमरे में बैठ के आप खाना खाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं साला द प्रांसो, यानी कि खाना खाने का कमरा। अगला लफ्ज़ है जी कुचीना। कुचीना का मतलब है जी बावर्ची खाना, ठीक है, बावर्ची खाना को इटालियन लैंग्वेज में कुचीना कहते हैं, ठीक है, बावर्ची खाना कुचीना। अगला लफ्ज़ है जी लवंदेरिया। लवंदेरिया कहते हैं जी लॉन्ड्री को, यानी कि जहाँ आप कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो उस जो जगह को कहते हैं लवंदेरिया, यानी कि लॉन्ड्री, ठीक है। अगला लफ्ज़ है जी गैराज। गैराज का मतलब गैराज ही होगा, जिस तरह यहाँ पे जो है गैराज होते हैं आपके, मतलब अक्सर घरों के साथ आपको गैराज मिलते हैं जिसमें या तो आप जो है जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो स्टोर कर सकते हैं, या कुछ गैराज जो है बड़े होते हैं जिनमें आप जो है गाड़ी तक पार्क कर सकते हैं, तो गैराज को गैराज यहाँ पे भी कहते हैं, ठीक है। अगला लफ्ज़ है कमीनो। कमीनो का मतलब होता है चिमनी। अच्छा, कमीनो एक लफ्ज़ है कमीनो, उसका मतलब होता है चलना, ठीक है, उसमें दो एम आते हैं। अब ये लफ्ज़ है कमीनो, कमीनो का मतलब है चिमनी। चिमनी कहते हैं जी, आपने देखी होंगी कि घर अक्सर घरों में आपको मिलेंगी चिमनी, यानी कि जिसके नीचे आप जो है सर्दियों में जो है आग जलाते हैं कमरा गर्म करने के लिए, जो धुआं निकलता है वो चिमनी के ज़रिए जो है बाहर निकलना है, तो उस चिमनी को जो कहते हैं इटालियन लैंग्वेज में वो कहते हैं कमीनो। तो एक और लफ्ज़ है वो है कमीनो, उसका मतलब होता है चलना, ठीक है, कमीनारे एक वर्ब है, ठीक है। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये दो जो है डिफरेंट मतलब अलग अलग वर्ड्स है और इनके मतलब भी अलग अलग है। साउंड थोड़ी सुनने में जो है सिमिलर सी लगती है लेकिन ये सिमिलर है नहीं, जब आप लिखते हैं इसको तो जो है एम का फ़र्क आता है, इसमें एक एम है और उसमें दो एम है, ठीक है, कमीनार वो वर्ब दूसरी है, ठीक है, कमीनो, कमीनो का मतलब है चिमनी। उसके बाद अगला लफ्ज़ सालोतो, ठीक है, सालोतो, सालोतो कहते हैं जी रहने के कमरे को, ठीक है, रहने के कमरों को कहते हैं सालोतो, ठीक है। उसके बाद है जी कुर्तीले। कुर्तीले कहते हैं सेहन को, ठीक है,
सहन को कहते हैं कुर्तीला। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास कौन सी है? हाँ जी, इस स्लाइड में हम जो है फर्नीचर के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें, इस स्लाइड में हमने जो है दीवारों के बारे में पढ़ा, रूम्स के बारे में पढ़ा, चिमनी, बावर्ची खाना, ये डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। तो इस स्लाइड में जो है घर में इस्तेमाल होने वाला जो फर्नीचर है उसके बारे में हम जो है कुछ लफ्ज़ सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज़ है जी लैतो। लैतो कहते हैं जी बेड को। अब लैतो के साथ मिलता जुलता एक लफ्ज़ है लाते। ठीक है, अब मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन जो नए लोग आते हैं या जिनको इतनी इटालियन नहीं आती वो थोड़ी उनके लिए कन्फ्यूजन होती है। एक लफ्ज़ है लाते, ठीक है, और एक लफ्ज़ है लैतो। लाते का मतलब है दूध यानी कि मिल्क, और ये लफ्ज़ है लैतो। लैतो का मतलब है बेड। ठीक है, अब सुनने में थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ तो लगती हैं। अब जो तो इटालियन में एक्सपीरियंस्ड है, मतलब उसको इटालियन सही आती है, उसके लिए तो डिफ़िकल्टी नहीं है। अब जो लोग नए आते हैं उनके लिए, मतलब ये जो मिलते जुलते लफ्ज़ होते हैं इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन करना जो है मुनासिब समझा। अब ये लफ्ज़ है लैतो। लैतो का मतलब है बेड। ठीक है, अगला लफ्ज़ है हमारे पास स्पेक्यो। स्पेक्यो का मतलब होता है आईना। ठीक है, मिरर, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, अपना अक्स देखते हैं, उसे कहते हैं स्पेक्यो। स्पेक्यो मतलब आईना। अगला लफ्ज़ है जी हमारे पास सेदिया। सेदिया कहते हैं जी कुर्सी को। और उसके बाद अगला लफ्ज़ है तावोलो। तावोलो कहते हैं टेबल को, मेज़ को। अगला लफ्ज़ है दीवानो। दीवानो कहते हैं सोफे को। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है अरमादियो। अरमादियो कहते हैं अलमारी को। उसके बाद अगला लफ्ज़ है कसेतियरिया। ठीक है, कसेतियरा, कसेतियरा कहते हैं जी दराज को। ठीक है, दराज जो बने होते हैं ना छोटे छोटे, जिसमें आप जो दराज है बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, तो ये दराज की बात हो रही है, दराज को कहते हैं जी कसेतियरा। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ है फेरो द स्तीरो। फेरो द स्तीरो कहते हैं इस्त्री को। ठीक है, जिसे आप कपड़े प्रेस करते हैं उसे इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं फेरो द स्तीरो। ठीक है, ये थे कुछ फर्नीचर के साथ जो है मिलते जुलते लफ्ज़। और प्रीवियस जो स्लाइड, इस स्लाइड में हमने घर की दीवारों और कमरों के बारे में पढ़ा, डिफरेंट चीज़ों के बारे में, और इस स्लाइड में हमने फर्नीचर के बारे में पढ़ा। तो होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप जो है अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और कोई ऐसी जो है स्पेसिफिक टाइप की वोकैबुलरी, ऐसे लफ्ज़ आप इस तरह के मिलते जुलते कोई सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर डिमांड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इन दिनों जो है मैं जो है वोकैबुलरी पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। मैं बी ऊनो भी स्टार्ट करूँगा लेवल, बहुत जल्द लेवल स्टार्ट करूँगा, लेकिन ये है कि उसके लिए मुझे आपकी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वक्त जो है मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट नज़र नहीं आ रही चैनल पर, तो जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी उतना ज़्यादा जो है मैं जल्द से जल्द जो है बी यूनो जो है लेवल भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन इन दोनों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फोकस करूँ वोकैबुलरी पे, इटालियन जो है वर्ड्स आपको आएँ, क्योंकि बी यूनो जो है वो थोड़ा लेवल टफ़ है, आई मीन वो इंटरमीडिएट लेवल तक आता है, तो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वोकैबुलरी की सीरीज़ स्टार्ट की जाए जिसमें आपकी इटालियन की वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव हो। तो हो सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिए खासकर दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।